आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के जंगल इन दिनों आग से धधक रहे हैं। इस बीच गुरुवार को रीवा का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी आग की चपेट में आ गया। दरअसल रीवा के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप देवर कोठार संरक्षित क्षेत्र में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहाँ 2 किलोमीटर के एरिया को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जहाँ दमकल की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग पर काबू पाने वाला अमला नाकाम रहा और आग तेजी के साथ यहाँ फैलती जा रही है। बताया जा रहा है कि गढ़ के देवर कोठार में बुधवार को लगी आग ने एक बड़े क्षेत्रफल को अपनी आगोश में ले लिया है। इस आग में जंगल में लगे विशाल वृक्ष के साथ साथ जंगली जानवर जड़ी बूटियां भी आग की चपेट में आ रहे हैं। यहां आग बुझाने के लिए गुरुवार को आसपास के इलाकों के 4 दमकल बुलाए गए और 4 घंटे तक की कड़ी मशक्कत की गई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बताया जा रहा है कि आग यहां 80 फीट की गहराई में फैलती ही जा रही है, जहां दमकल के पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। फिलहाल वनमला पुलिस मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने की जुगत में जुटा हुआ है। Yeah, yeah, yeah.